ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। कुचले हुए सांप सा भया वह, किंतु शक्तिहीन है मेरा ये धनुष। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का? वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं युधिष्ठिर की वो घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। सुनकर शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने, उनकी थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने शस्त्रों से खंड खंड कर डाला। नहीं भूल पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय, किंतु अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शोभ था, कोमलतम था, उसकी भी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बब्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं हूं तुम्हारा अश्वत्थामा। कायर अश्वत्थामा। अगर आप चाहें तो इस मेज पर आकर बैठ सकते हैं, जगह काफी है। और आखिर एक आदमी कितनी जगह घेरेगा? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेशक अगर आप चाहें तो आप चुप रह सकते हैं। वैसे मैं भी चुप रहना ही पसंद करता हूं। आदमी बात कर सकता है और चुप भी रह सकता है एक ही बार में। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से ये करता आ रहा हूं। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब होता है चुप रहना, और बात करने का मतलब होता है बात करना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग में पी रहे हैं। आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी है। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी यहाँ पर जो लोग आते हैं, मैं उन सब को पहचानता हूँ। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने पहले से ही इतनी पी हुई होती है। ये यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए। दूसरे पब बंद हो जाते हैं और ये कहीं और जा भी नहीं सकते। वे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मेज पर, बाहर सड़क पर, ट्रंप में। कई बार मुझे इन्हें उठाकर घर पहुंचाना पड़ता है। बेशक अगले दिन ये मुझे पहचानते भी नहीं। आप गलत ना समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा। आप आकर चुपचाप अलग मेज पर बैठ गए। मुझे ये बुरा सा लगा। नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पी सकते हैं।
बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र, 22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मद्धम पड़ जाएगा या संभवत मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवा भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी, भगत सिंह। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा था मल्लिका, और हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं उज्जैन क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण तो यह भी था कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। अभावपूर्ण और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद मैं नहीं जानता था कि सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार भी नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ होगा जब तुम्हें मालूम चला कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, है ना? परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की यह बेहद स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवत इसमें उन सबसे प्रतिशोध की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा मजाक उड़ाया था। परंतु मैं ये जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने आप को समझाया कि कमी इस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। यदि मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं स्वयं को बदल सका, और जो कुछ भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे देश भर में फैल गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि सुविधा और प्रभुता के मोह में पड़कर मैंने इस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल के साथ मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। जब जब मेरी दृष्टि दूर तक फैले क्षितिज पर पड़ती है, तब तब यह अनुभूति मुझे सहलाती है कि मैं उस विशाल से दूर हट गया हूं। मैं क्या करता? मैंने अपने आप को सांत्वना दी, बार बार समझाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां मेरे वश में होंगी और मैं दोनों क्षेत्र में अपने आप को स्वयं रूप से बांट दूंगा।
परंतु ऐसा नहीं हुआ। और एक दिन मैंने पाया कि मैं पूरा टूट चुका हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जिसका उस विशाल के साथ कोई भी संबंध था। मैं झुकता हूं। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कोर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ। झुकता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। हाँ तो योरऑनर, मैं कह रहा था कि मुजरिम 365 उर्फ हरी वल्द मरहूम भगत राम ही अपने बाप का कातिल था। योरऑनर, योरऑनर, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मुजरिम शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा था, और घर लौटने पर जब उसके बीमार बाप ने उससे पूछा कि क्या वो दर्द का इंजेक्शन लाया है, तो योरऑनर मुजरिम इस पर भड़क उठा। दोनों में कहा सुनी हुई मुजरिम ने आओ देखा ना ताब, और दोनों हाथों से अपने बाप का गला घोट दिया। योरऑनर, जब मुजरिम अपने बाप का गला घोट रहा था तब दरवाजे पर खड़ा उसका दोस्त भोला वो सब अपनी आंखों से देख रहा था। इसलिए मैं माननीय अदालत से दरखास्त करूंगा कि भोला को कोर्ट में पेश किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हें शायद यह लगता है कि मुझे और खुलकर पेश आना चाहिए। स्टेट्स में जिंदगी कैसी होती है ये अच्छी तरह से बारीकी के साथ तुम्हें बताना चाहिए। शायद तुम्हें इस बात का बुरा लगता है कि मैं अब ज़्यादा मजाक नहीं करता या हमारे भविष्य के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। वैसे मैं अगर ठान लूँ तो काफ़ी मिलनसार हो सकता हूँ। जिन जिन रिसेप्शंस में हम साथ गए तुमने तो मुझे देखा ही है, लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ। आई कैन बी चार्मिंग, अगर चाहूँ तो किसी का दिल उड़ाने जा सकता हूँ। फिर तुमसे इतना कम क्यों बात करता हूँ? क्योंकि 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 अगर मेरा सच्चा मैं है द रियल मी, चलो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं इस वक्त एक एक मुश्किल मोड में हूँ, अ स्पिरिचुअल क्राइसिस, अंदर ही अंदर उभर रहा हूँ ज्वालामुखी की तरह। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहभागी बनो। मेरी आत्म खोज को समझने के लिए तुम्हें दिमाग से बहुत काम लेना पड़ेगा और दिल से भी, पर तुम्हें काफ़ी कुछ कुर्बान करना पड़े शायद, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो तुम्हें मेरी कुछ अंदरूनी झटपटाहट को भी अपनाना होगा। हाँ, पर आखिर में तुम खुद महसूस करोगे इसका कमाल। हाँ, एक्सक्यूज मी, समवन इज कॉलिंग मी। हेलो, हाँ, ओ यू वॉन्ट बिलीव दिस, मैं धारवाड़ में हूँ। हाँ नहीं, एक शहर नहीं, एक बड़ा सा नगर है इन द बैकवुड्स ऑफ कर्नाटका। क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यू विल नेवर गेस। ये डिसाइड करने के लिए नहीं कि शादी करूँ या ना। नहीं, शादी करने नहीं, सिर्फ तय करने है कि शादी करूँगा या नहीं। नहीं, मुझे अभी तक वो नहीं पता। यू सी आफ्टर ऑल हम दोनों को तय करना होगा ना। हाँ, और फिर मैं तो यहाँ आया हूँ और विदुला मेरे बगल में बैठी है, विदुला नाद करनी। क्या
नहीं नहीं असली सवाल पूछने से पहले मैं उसे अपने बारे में समझा रहा हूं। सो व्हाट? अरे हाँ नहीं तुम आ सकते हो। मैं देखो शिराली जाने की सोच रहा हूँ और तुम्हारे स्वामी और मैं अपने स्वामी जी से मिलना भी चाहता हूँ और फिर वहाँ से मैड्रास आई मीन चेन्नई और मैड्रास को अब चेन्नई कहते हैं। हाँ इंडियंस को सबसे ज़्यादा खुशी नाम बदलने में होती है। हाँ रास्तों के नाम शहरों के नाम नाम बदलने के लिए कोई भी बहाना चलेगा। स्टेशन और एयरपोर्ट को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। हाँ भाई आफ्टर ऑल मैं तो विदुला को यही बताने वाला हूं कि शादी के बाद तुम्हें नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये उसकी पहले से पहचान रही है। यस हाँ अब चेन्नई से कुआलालंपुर और अब उसके बाद अच्छा ओके ऑल राइट या अब ओके बाय 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 बाय। हाँ पहले तो तुम्हें मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। भाई अमीर हूँ रिच यूएस में मैंने बेहद कामयाब रहा हूँ। मैंने तो खुद अपने सपने भी नहीं सोचा कि मैं इतना सक्सेसफुल रहूँगा। बियॉन्ड माई ओन वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड माई ओल्डेस्ट वाइल्डेस्ट ड्रीम्स यू नो व्हेन आई वाज इन द कॉलेज तो मैं कभी भी इतना होनहार तो था नहीं। पर हाँ मुझसे भी बहुत होनहार लड़के थे बट नो वन नोज कि वो अब कहाँ है। पर मैंने खूब कमाया भाई। मैं तो कांग्रेस को भी खरीद सकता हूँ इसमें कोई शक नहीं। यूएस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गॉड्स ओन कंट्री बट बहुत हैं यहाँ पर। पहली बात तो गोरों ने बाजी खेली मेहनती गोरे। भाई हिमेक रेंट का किस्सा तो पुराना है। हकीकत यह है कि हमारी मशीनें चल रही हैं हमारी बदौलत हम एशियंस की और अफकोर्स हम खूब कमा रहे हैं तो उनका जी जलता है। जिस मकाम पे जूस किसी दिन थे आज हम इंडियंस वही खड़े हैं। और ये तालिबान अलकायदा और हिजबुल्ला ना होते ना तो हमने कब कायम की इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर लिया होता शांति से। हमारी यही बात तो गोरों को पसंद है मेहनती ऑनेस्ट ऐसे लोग जो जियो और जीने दो सिर्फ बोलते नहीं ऐसे लोग जो दुनिया को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। हाँ तुम देखना हाँ और दूसरी बात ये कि भाई हमने इंडियंस को एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यूएस में हमने जिंदगी का मजा लिया। गर्लफ्रेंड्स अफेयर्स वन नाइट स्टैंड्स सब कुछ आजमा कर देख लिया। पर अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनका कल्चर एकदम खोखला हो चुका है। एक ऐसा आईना जिसे लोग जी चुके हैं। भाई वेस्टर्न कंट्रीज ये सब पश्चिम का अपना गला घोट रही हैं। आकस्मिक टोर से तो कोई बचा नहीं। नो 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 स्पिरिचुअल यूरिंग्स लेफ्ट बहे जा रहे हैं ऐसी दुनिया में। ना ना कहीं भगवान है ना कोई नीति है। देखना हिंदी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो तुम जैसे किसी के खून में ही हिंदी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। यस मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन आपकी खिदमत में पेश है एक मज़ाहिया ड्रामा जिसका नाम है चैनपुर की दास्तान। दरअसल नाम तो इसका कुछ और ही रखा गया था अंग्रेजी में पर्ल इन दी हैट क्योंकि डिज़रेली ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन यानी हिंदुस्तान ब्रिटिश ताज का सबसे चमकदार नगीना है। जिस रियासत की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वहां के बाशिंदों की नजर में उनकी रियासत चैनपुर अगर किसी ताज का चमकदार नगीना नहीं तो किसी हैट का चमकदार मोती तो जरूर ही थी। इसलिए जनाब फॉस्टर की किताब के नाम ज्वेल इन दी क्राउन की तर्ज पर इस ड्रामे का नाम पर्ल इन दी हैट या पर्ल इन दी टर्बन होना चाहिए था। अंग्रेजी जबान का रौब भी ज्यादा बढ़ता है लेकिन जब कुछ हिंदी प्रेमी साथियों ने सत्याग्रह करने की धमकी देनी शुरू कर दी तो हमने नाटक का नाम चैनपुर की दास्तान रख दिया। अब देखिए आगे चलने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस ड्रामे की सारी कहानी सारे किरदार और सारे हादसात झूठे हैं। इन्हें सच्चा साबित करने वालों को तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा।
ये कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान में बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, रिश्वतखोरी थी। बहुत पुरानी बात है कि एक बार अंग्रेजों की कैद से हिंदुस्तान आजाद हुआ, लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, पूरा मुल्क सदियों से पांव में पड़ी गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी की सांस ले रहा था। हर तरफ उमंग थी, जोश था, लोग खुशी से पागल हुए जा रहे थे। लेकिन आजादी का जश्न मनाने के बाद मुल्क के नेताओं को महसूस हुआ कि आजादी हासिल कर लेना आसान था, लेकिन इसे बनाए रखना बेहद मुश्किल, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी अब पहले की तरह अंग्रेजों पर थोपना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बेचारे तो बोरिया बिस्तरा समेटकर कब के अपने घर जा चुके थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से सभी रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हो चुकी थी, लेकिन पुरानी बीमारियां, रिश्वतखोरी, नौकरशाही, लेन देन की हवा इतनी तेज बह रही थी कि एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन ये कहना पड़ा कि बेईमान और जमाखोर व्यापारियों को सबसे नजदीक के लैंप पोस्ट से लटका दिया जाएगा। भाई अब इस धमकी का नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी कि ये सारी बुराइयां हमारे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें।